चालू करता हूँ। हाँ सर, रेडी कर दीजिए। डन। हाँ हाँ प्लीज स्टार्ट। ये चार है, 5/9/1996 रात को 3:20 बॉम्बे में जन्म। अभी 1996 में पैदा हुआ है, तो हम उसका ज्यादा जो फोकस करेंगे एजुकेशन के हिसाब से फोकस करेंगे और उसका आने वाला लाइफ के बारे में फोकस करेंगे, बरोबर है। तो यहाँ पर जब हम चार्ट को देखते हैं तो एक चीज हमको बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर कि बुध और जो राहु है उसके 11th हाउस में शुक्र और मंगल है, उसके 11th हाउस में चंद्र है, उसके 11th हाउस में शनि केतु है। तो ये बहुत बढ़िया योग है। अगर कोई भी ग्रह से 11th भाव अगर कोई बैठता है तो 11th भाव जो हमारा मित्रता का है, 11th भाव हमारी इनकम का है, यानी वो दो चीज हमको देगा, मित्रता देगा और इनकम देगा। यानी क्या होगा कि ये जो बुध है उसको ये शुक्र जो अनकंडीशनल सपोर्ट करेगा। हालांकि आप देखिए जो है जनरली जो है अपना 6th भाव से 11th भाव में इतनी मित्रता होती नहीं, जो है लगन में जो बैठा ग्रह है उसकी 11वें साथ इतनी मित्रता नहीं होती, क्योंकि छठे से छठा है ना, दुश्मन का दुश्मन। तो यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छी चीज ये देखने को मिली कि भाई ये जो है बुध और राहु से 11वें भाव मंगल है, वहां पर 11वें भाव में चंद्र है, उसके 11वें भाव में शनि और केतु है। ये बहुत अच्छा योग हो गया। 11th हाउस हमारा गेन है, 11th हाउस हमारा मित्रता का भी। अब ये जो है हम जो इनकम बताते हैं तो ये हमारा 10वां भाव है और 11वां भाव हमारा इनकम है। कौन सा इनकम जो हम कमाते हैं वो नहीं, जो हम कर रहे हैं उसकी इनकम है, हमारे कर्म रूपी धन जो है, यानी हम यहां से पाप करेंगे पुण्य करेंगे उसका फल हमको यहां पर मिले, कर्म का धन है। जनरली हम 11वें भाव को आय बोलते हैं, आय यानी इनकम है, ये इनकम है तो ये हमारा धन का है। यानी क्या होगा कि धन का सुख है, हमारे इनकम का सुख है, बरोबर है। मगर यहाँ पर एक चीज ये चार्ट में अच्छी मिली कि ये जो बच्चा है ये बच्चे के जो है मेजोरिटी प्लैनेट एक दूसरे के 11वें बैठे, यानी इतनी जिंदगी जो है ऐसे बच्चे जो है पैदा होते ही माँ बाप की तरक्की करा देते हैं, बरोबर है। तरक्की हुई माँ बाप की, क्यों तरक्की हुई, क्योंकि ये बच्चा जो है तरक्की लेके आया है। 11th हाउस जो है वो अनकंडीशनल गेन देता है और देगा ही, यानी क्या बोलेंगे कि ये जीवन में इसको मोटा मोटा कोई ज्यादा परेशानी आएगी नहीं, बरोबर है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक बहुत अच्छा योग है। अब यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बुध को पकड़ेंगे। अब देखो बुध जो है स्ट्रांग बैठा है, आवाज तो आ रहा है, बुध जो है वो स्ट्रॉन्ग बैठा है ना, उसके साथ राहु भी बैठा है। अब राहु का काम है एक्सपांड करना, बुध एजुकेशन का कारक है, राहु उसको एक्सपांड करेगा, बुध नॉलेज का कारक है, राहु उसको एक्सपांड करेगा। अच्छा हो या बुरा हो, राहु ये नहीं देखता है उसको क्या एक्सपांड करूंगा, जो भी उसको एक्सपांड करके दे देगा, चाहे पाप हो तो पाप को एक्सपांड करेगा, पुण्य तो पुण्य को एक्सपांड करेगा, मगर एक्सपांड जरूर करेगा। अब यहाँ पर जो है बुध जो है अच्छा है,
प्रॉब्लम नहीं है, उसके 11th हाउस में शुक्र बैठा है, यानी वो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। बुध के 9th हाउस में जो है भाग्य में उच्च चंद्र बैठा है, वो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी ग्रह से 9वें भाव में चंद्र बैठता है तो 9वां भाव जो है वो दुर्गा यात्रा कराता है। तो हमने क्या बोला कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा पढ़ने के लिए, क्योंकि बुध से 9वां भाव है ना, तो क्या बोलेंगे कि ये इंसान जो है पढ़ने के लिए विदेश यात्रा करेगा। तो विदेश में गया है तो हम सीधा सीधा बता दिया यहाँ पर कि भाई बुध जो है वो एजुकेशन का कारक है, 9th हाउस में उच्च का चंद्र बैठा है, कोई परेशानी नहीं है उसको विदेश में जाने के लिए, उसको कोई परेशानी नहीं आई, ना ही पढ़ने लिखने में परेशानी आ रही है, क्योंकि बुध के 4th भाव में कौन बैठा है, गुरु बैठा है, 11th भाव में कौन, शुक्र बैठा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना जो है 90% केस में जो है वो 80 के अबव चलते हैं बचपन से जो है, क्योंकि होशियार है ना। देखो चंद्र जो है वो पूरा कुंडली में या तो कुंडली का सत्यानाश करेगा या कुंडली को ऊपर उठा देगा। चंद्र जो है वो किंग मेकर है, पासा पलटने का ताकत चंद्र रखता है, बोले बड़े कर अपने हिसाब से चल रहे। तो यहाँ पर जो है हमने क्या बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छा योग है 11 से 11वां। दूसरा हमने बोला कि बुध बहुत अच्छा है, हमने बोला कि बुध के 9th हाउस में चंद्र है, चंद्र उच्च का है, चंद्र उच्च का है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उसको विदेश यात्रा है, काय के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई पढ़ाई करेगा, बराबर है। अब यहाँ पर देखो जो है बुध के 7th हाउस में जो है शनि है, बराबर है, यानी क्या होगा कि देखो बुध का संबंध शनि से आया, बुध का संबंध शुक्र से भी आया, तो क्या होगा ऐसे बच्चे जो है एक तरफ पढ़ते भी है और दूसरी तरफ इनकम भी करते हैं। तो यानी क्या करेगा, एक तरफ पढ़ेगा दूसरी तरफ इनकम करेगा, यानी क्या होगा कि छोटी उम्र में कमाने का योग भी उसको है, बराबर है, तो है। तो यहाँ पर देखो हमने जो है बहुत सरलता से जो है दो चार चीजें बता दी। अभी ना तो हमने इसको ना भाव लिया है, ना हमने इसको भावेश लिया है, ना हमने कोई अपना जो है कोई दशा देखा है, ना कोई वर्कशॉप देखा। अब जब हम केपी को देखेंगे तो सबसे पहले तो जो है कि अगर चलो अभी एंड्रॉइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड्रॉइड है तो हमने बैटरी डाला सब हो गया, तो हमने देखा 12वें भाव का सब लोड है, वो विदेश बताता है, फिर हम दशा को देखेंगे यहाँ पर विदेश जाएगा। यहाँ पर तो हमने सीधा थोड़ा खोखा खोली से बता दिया कि ये जो बच्चा है पढ़ने में बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है। और यहाँ पर देखो चंद्र जो है, चंद्र का संबंध बुध राहु से आता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना कॉपी मास्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, फिर कॉपी बहुत अच्छी कर लेते, ऐसे लोग जो होते कभी कभी सिग्नेचर भी हूबहू निकाल देते, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का भी है ना। चंद्र को जो है चोरी का कारक भी बताया, चोर का कारक चंद्र बताया, बुद्ध नॉलेज का कारक है, राहु तो वैसे ही बदनाम। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं किसी का नॉलेज लेके अपने नाम से पुस्तक भी बना देते, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का काम कर देंगे कि 5-6 किताबें ले ली, 1 किताबें छाप दी, ये होता है। मगर नॉलेज इसके पास सॉलिड, बराबर है। और यहाँ पर देखो गुरु जो है, गुरु के देखो 12वें भाव में, मतलब 2 भाव में कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है, बराबर है। गुरु के 4th भाव में शनि केतु है, बराबर है। और गुरु के जो है 8वें भाव में कौन है, शुक्र मंगल है। गुरु के 9th हाउस में सूर्य है और गुरु के 6वें भाव में चंद्र है। अब देखो गुरु जो है, गुरु के भाग्य में कौन बैठा है, स्वग्रह शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है। यानी क्या होगा कि ये जो बच्चा है खुद स्वग्रह ही है, और क्या लेके आया, 9th हाउस में पिता को भी स्वग्रह ही लेके आया, 9वां भाव पिता का है, यानी पिता जो है उसने इस बच्चे को ज्यादा सपोर्ट किया जितना सपोर्ट माने नहीं किया, बराबर है। दोनों तो है मगर ज्यादा सपोर्ट ये करेगा, ज्यादा सपोर्ट ये करेगा। अभी देखो यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर बुध भी है, यानी क्या बोल रहे हैं कि सूर्य जो है नाड़ी में किसको बुला गया, नाड़ी में शुक्र को जो है श्रीदेवी बोला गया है, श्रीदेवी यानी धरती देवी, और बुध को भूदेवी बोला गया है। अब सूर्य देखो स्वग्रह ही है, आगे बुध उचका है, पीछे शुक्र है, हम क्या बोलेंगे कि पिताजी जो है वो वेल सेटल हो सकते हैं, अच्छी इनकम हो सकती है। यहाँ पर देखो बुध राहु चंद्र है, हो सकता है अपना उन्होंने भी कोई फॉरेन टूर करा हो, फॉरेन में हो गया तो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो संबंध आ गया, अच्छे पैसे भी है। तो यहाँ पर जो है ये अपन क्या बोलेंगे कि ये जो लड़का है, ये लड़का को पिताजी जो है क्योंकि भाग्य में बैठा है,
पिता भाग्य में बैठा है तो पिता उसका भाग्य संवारेगा, बरोबर है, बाकी का सराष्ट्र भी हो गए। मगर यहाँ पर देखो जो है ये जो है वृषभ राशि में चंद्र है। अब वृषभ राशि जो है यहाँ पर देखो जो है ऋषियों ने जो है दो चीजें बताई है कि कर्क राशि जो है वो मेरी माँ है और वृषभ राशि पत्नी की माँ हो गई, यानी शुक्र जो है पत्नी का तारक है, वहां पर चंद्र बैठेगा तो क्या बोलेंगे, पत्नी की माँ यानी मेरी सास हो गई, यानी ये लड़की की जो सास है या माँ है दोनों है ना यहाँ पर, बरोबर है। यहाँ पर देखो शुक्र है, उसके आगे शुक्र मंगल भी है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा योग होता है कि माँ के नाम से कोई संपत्ति होता है, बरोबर है। तो आपने बोला कि बहुत संपत्ति है इसके पास, क्यों, कि शुक्र जो है ना पैसे का भी कारक है, शुक्र संपत्ति का भी कारक है और आगे वो देख रहा है। और देखो यहाँ पर गुरु जो है भाग्य का कारक है ना, तो गुरु यहाँ पर भी देख रहा है और यहाँ पर भी देख रहा है, यानी क्या होगा कि माँ जन्म से भाग्यशाली है ना, वो पाया है ना वहां, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है ना भाग्य है ना, हमारा काल पुरुष का जो नाइन्थ हाउस है वो हमारा भाग्य का है, तो भाग्य का मालिक जो है वो यहाँ पर भी देख रहा है, यहाँ पर भी देख रहा है, यानी माँ के आगे और पीछे भाग्य देख रहा है। अब भाग्य देख रहा है तो क्या होगा, माँ को जो भी कुछ मिलेगा सरलता से मिलेगा, आसानी से मिलेगा, कोई इसको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। जैसे माँ पैदा हुआ, पिताजी का तरक्की हुआ, बच्चा आया इसका तरक्की हुआ, यानी क्या बोलेंगे कि ये तो अपना चार्ट है, इसमें ज्यादातर भाग्यशाली लोग ही है, यानी आपके परिवार में ज्यादातर भाग्यशाली लोग है, क्योंकि ये कुंडली भाग्यशाली है ना, क्योंकि हर ग्रुप जो है ना, यानी क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी हमका गाना है ना, एक दूसरे के लिए तैयार है, एक दूसरे के लिए ना, 11th हाउस है ना, तो ये क्या होता है कि ये जो है हमने गाना बताया कि एक दूसरे के लिए तैयार है, मैं ये योग आता है एक दूसरे के लिए। तो देखो कितनी सरलता से हम जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई ज्यादा चार्ट हम लेते नहीं है, कोई ज्यादा हम जाते नहीं, मोटा मोटा हम देख सकते हैं, तो मोटा मोटा सामने वाला अगर हम उसको 100 प्रेडिक्शन देंगे तो 60-70 वो हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं कि उसके जस्टिस में जो है जो ग्रह जहां पर बैठे उसका प्रेडिक्शन दे रहे हैं और जो ग्रह जहां पर है उसकी फीलिंग बताएगा। अभी यहाँ पर देखो सूर्य जो है वो सोच रही है, बरोबर है, उसके आगे बुध है, गुरु उसको देख रहा है, शुक्र के सेकंड हाउस में है, यानी शुक्र क्या हो गया, शुक्र घर हो गया, गुरु भाग्य हो गया, सूर्य स्टेटस हो गया, यानी क्या होगा कि ये जो इंसान रहेगा वो स्टेटस वाला, मतलब वो जो एरिया में रहेगा वो स्टेटस वाला एरिया होगा, ब्रांडेड एरिया होगा, बड़े बड़े लोग रहते होंगे, बरोबर है। हम उसको सहजता से बोल सकते कि ये जो इंसान रहेगा वो ब्रांडेड जगह पे रहेगा, जैसे मशहूर लोग रहते हैं, बड़े बड़े पॉपुलर लोग रहते हैं, तो वहां पर रहेगा, क्योंकि सूर्य चल रही है ना, इसके आगे शुक्र क्या आएगा, तो शुक्र घर है। अब देखो शुक्र पत्नी भी है, यानी पत्नी भी तो अच्छे घराने से आएगी, पत्नी भी तो जो आएगी अच्छे घराने से आएगी, क्योंकि शुक्र उसका घराना है ना, दूसरा भाव है ना, उसको देख रहा है, यानी क्या होगा कि उसकी उसकी बीवी भी जो आएगी अच्छी पर्सन आएगी, नॉलेजेबल पर्सन आएगी, अच्छी फैमिली से आएगी और स्टेटस वाली आएगी, ये लड़के का भी स्टेटस है, बरोबर है। अब देखो गुरु ये चंद्र जो है मतलब शुक्र जो है वो बचपन का मतलब खिलौना देख लो, क्योंकि पांचवा भाव जो है नैसर्गिक हमारा है, सुने खिलौना मतलब पांचवा भाव है, शुक्र को होती है, यानी ये जो बच्चा है ये बच्चा स्कूल में भी पढ़ता है तो ब्रांडेड स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ेगा तो भी ब्रांडेड पढ़ेगा और खेलेगा तो भी ब्रांडेड चीजों से खेलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बुध जो है उसके 11th भाव में शुक्र है, सूर्य के दूसरे भाव में बुध है, शुक्र है, यानी क्या होगा कि इसके फैमिली में जो अभी बुध कम्युनिकेशन का कारण है, तो क्या होगा कि यहाँ पर स्टेटस है ना, यानी मोबाइल भी यूज करेंगे तो स्टेटस वाला यूज करेंगे, जनरल यूज नहीं करेंगे, बरोबर है। तो देखो ये चीजें जब बता रहे हैं तो बरोबर आ रही है कि बच्चा पढ़ेगा, फॉरेन जाएगा, अच्छा सेट होगा, पत्नी उसको अच्छी मिलेगी। अब हमने ना तो सातवां भाव देखा, बरोबर है, ना हमने कोई कारकों को देखा, मैं फोन करके बता दे कि ऐसा ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर देखो बुध चंद्र का संबंध आ रहा है, शुक्र मंगल का आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे मोटा मोटा लव मैरिज कर सकता है, बरोबर है, तो लव मैरिज इसका हो सकता है, मगर पत्नी अच्छे घराने से आएगी
और वेलसेट आए, बराबर है। अब देखो यहाँ पर शुक्र है, शुक्र के आगे सूर्य है, उसके आगे बुध राहु है, शनि यहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे कि पत्नी जो है अर्निंग पर्सन भी आएगी ना, कमाती आएगी। तो यहाँ पर देखो एक बात हो गया कि आय भी है ना, शुक्र जो है शुक्र पैसा भी है, शुक्र पत्नी भी है, शनि कर्म कारक है, तो काम करती आएगी ना, तो ये चीज हम आसानी से बता सकते हैं। और बराबर है, बराबर है। अभी यहाँ पर आप देखो कि शुक्र जो है सूर्य के आगे अपना बुध राहु चंद्र है, बराबर है। अब देखो जब भी चंद्र राहु का संबंध आता है तो दूर का मुसाफरी होता है, दरिया पार, पहले दरिया से जाते थे तो अपना जो योग बनते हैं तो दरिया के पार का बनता है, बराबर है। सात समंदर पार में तेरे पीछे आ गए, तो ये जो है ये समंदर का है, बुध जो है वो बिजनेस का तारक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य के दूसरे भाव में बुध राहु है और बुध के नाइन्थ हाउस में चंद्र है, पिताजी जो है अपने कामकाज के लिए फॉरेन जा सकते हैं, या उनको ज्यादा घूमना फिरना भी है ना, चंद्र जो है ट्रैवलिंग का तारक है, बुध बिजनेस का तारक है, तो उनका जो है ट्रैवलिंग ज्यादा होता होगा और वो ट्रैवलिंग ज्यादा करते, बराबर है। तो आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ये बात, बराबर है, उधर वेल प्लेस बैठा है, पहले तो माँ फिर सास होगी ना, शादी के बाद सास होगी, माँ है, माँ के दूसरे भाव में कौन है, शुक्र और मंगल, अपना जो है शुक्र और मंगल है, बराबर है। गुरु जो है वो यहाँ पर दोनों के पीछे देख रहा है, यानी क्या होगा कि यहाँ पर के गुरु का दृष्टि है, यहाँ पर भी गुरु का दृष्टि है, बराबर है। अब ये माँ है, बराबर है, जैसे माँ ने शादी करा तो शुक्र किसका तारक है, बीच का तारक है, बराबर है। गुरु दोनों तरफ देख रहा है, बराबर है। गुरु यहाँ से कुटुंब वृद्धि का तारक है, चौथा भाव जो मातृत्व का भी है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जैसे शादी माँ का होता है तो कंसीव करने में उसको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आया, जनरली अपन देखेंगे तो 1.5-2 साल के अंदर कंसीव हो जाता है और इजीली हो जाता है, बराबर है। 1 साल के अंदर हो गया, अपन जनरली 2 साल के अंदर बोलते हैं, बराबर है। तो कंसीव हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ना हमने पंचमेश को देखा, ना पांचवें भाव के स्वामी को देखा, ना पांचवें भाव में कौन दृष्टि डाल रहा है, नहीं देखा हमने, खाली प्लेनेटरी पोजीशन देखा और प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से योग बनाया, फिर भी मदर को कंसीव में उसको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आई, आपने बरोबर बोला हाँ आ गया। तो देखो कितना इजीली है और इतना अच्छा चीज मिल नहीं सकता है, इतना अच्छा चीज नहीं मिल सकता, क्योंकि अब देखो दशा को देखते, मान लो हम कृष्णमूर्ति पद्धति करते तो कुछ अच्छे भाव भी आए, कुछ नेगेटिव भी भाव आ गए, तो हो गया अपना तो दिमाग का सत्यानाश, अभी या तो अच्छा इवेंट बनेगा नेगेटिव इवेंट बनेगा, फिर उसके लिए गोचर को पकड़ो और उतना करने के बाद फिर प्रिडिक्शन करो। मगर यहाँ पर हमने जो मोटे मोटे जो हमने 8-10 प्रिडिक्शन करे, तो 8-10 प्रिडिक्शन हमारे बरोबर है, आपने एक भी बार बोला नहीं कि ऐसा नहीं हुआ और होगा ही नहीं, क्योंकि देखो जो ग्रह जो है वो जहां पर भी नजर डालेगा वो अपने कारकत्व का फल देगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बरोबर है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये जो ये है मदर है, मदर को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बरोबर है। यहाँ पर शादी के लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं आया, बरोबर है। शादी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं आया कि यहाँ पर देखो मंगल शुक्र जो है और गुरु जो है, यहाँ पर गुरु देखो गुरु के ऊपर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य कौन है, ये बच्चे का पिता है, बरोबर है, गुरु सूर्य का इसके ऊपर पिता है ना, बरोबर है। और यहाँ पर चंद्र देखेंगे तो चंद्र भी आके देख रहा है ना, यहाँ पर क्या होता कि शादी में कोई तकलीफ नहीं आया, तो शादी में तकलीफ नहीं आया ना, बच्चे में तकलीफ आया और जिंदगी आसानी से कट रही है ना। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट में खूबी वाली बात क्या है कि ये 11वां भाव, यहाँ से 11वां भाव, यहाँ से 11वां भाव, यहाँ से 11वां भाव, ये कुंडली को जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, एकदम अलग ही बना दिया उसने, क्योंकि ये हर यानी एक दूसरे को मदद करके चलते है ना, पूरा फैमिली एक दूसरे को मदद करेगा, किसका देखते है ना। यहाँ पर देखो एक चीज जो है ना, अब देखो यहाँ पर शुक्र जो है पत्नी, बराबर है, चंद्र के घर में है,
तो चंद्र भी वैसे जो है मुखसिद्धि का कारक है ना, शुक्र और चंद्र जो है ब्यूटी के कारक है। तो अपन क्या बोलेंगे, शुक्र है, अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटी तो रहेगी, मगर आगे कौन है, सूर्य है। अब देखो जो है मतलब क्या होगा कि सेकंड भाव उसका क्या है, उसका फैमिली है, उसका जवान है, बराबर है, उसका परिवार है, उसका धन है। तो यहाँ पर देखो गुरु उसको देख रहा है और सूर्य वहां पर है। अब सूर्य जो है ना उसका एक गुण क्या है कि राजा है ना, राजा कभी ना नहीं सुनता है, राजा ऑर्डर देता ऑर्डर लेता नहीं है। यानी क्या होगा कि ये जो बोलेगी वो उसको करना पड़ेगा, उसकी पत्नी जो बोलेगी उसको करना पड़ेगा। राजा थोड़ा आलसी भी रहता है और राजा कभी काम नहीं करता है, राजा के घर में नौकर रहते हैं। यानी क्या होगा कि ये लड़की जो आएगी तो उसको राजा की फैसिलिटी मिलेगी ना, यानी घर में ऑलरेडी मतलब नौकर होंगे, हो सकता खाना बनाने तक वाले नौकर हो, क्योंकि ये काम नहीं करेगी ना, ये राजा है ना। इसके लिए हमने एक वीडियो में बोला था कि राज घराने का जो अपना राशि है सूर्य, उसमें कोई भी प्लेनेट बैठना चाहिए। तो प्लेनेट बैठता है, जैसे मेरा बेटा है छोटा बेटा, उसके शिव राशि में सूर्य है और शुक्र है। तो मेरे बेटे का शादी हुआ, मतलब बड़े बेटे का शादी हुआ और छोटे बेटे का शादी हुआ, यानी मेरा छोटा बेटा का बहू जो है शुक्र वहां पर भी शिव राशि में, जैसे ही वो आया उसके पहले मेरा 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 पत्नी जो है वो खुद कपड़े धोता था, खुद पोछा मारता था, खुद जो है बर्तन घिसता था। अभी सब कुछ आ गया, क्यों आया, छोटी बहू के कारण, क्योंकि वो रॉयल राशि लेके आएगी ना, वो नौकरानी नहीं बनेगी। आज समझो कि उसके नसीब से मैं कमा रहा हूं, तो उसके नसीब से कमा रहा हूं ना, रॉयल है ना। राजा काम करता नहीं है, उसका काम है लोगों से टैक्स वसूलना और उसके ऊपर अपना घर चलाना या सरकार चलाना। तो मिनिस्टर भी तो यही करते हैं, तो कोई काम तो करते नहीं, काम तो उसके अंडर में जो करते पढ़े लिखे लोग वो करते हैं। तो ये जो है ये कुछ चीज के लिए अच्छा है, कुछ चीज के लिए गलत है। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना उनको ईगो बहुत होता है और अहम होता है, तो क्या होता है कि जब झगड़ा होता है दोनों पति पत्नी के बीच, तो ऐसे लोग जो है ना एक बार अगर मुंह सुझा लिया ना तो चार पांच सात आठ दस दिन तक बोलते नहीं है, अहम है ना, मैं झुकेगा नहीं। तो पुष्पा का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला। तो ये थोड़ा जब होता है, यानी क्या होता है कि जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट आया तो डिस्प्यूट में कौन झुकेगा, फिर वहां पर लोचे आते, और झुकेगा नहीं तो फिर क्या होता है कि डिवोर्स की तरफ भी बात जा सकता है ना, अगर कुंडली में योग है तो। क्यों, कि कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं। मगर यहाँ पर क्या बोलेंगे कि शुक्र जो वेल प्लेस है, भाग्य का मालिक उसको देख रहा है। यानी क्या होगा कि ये जो लड़की आएगी उसको सब सुविधा मिलेगी ना, ये भी अच्छा कमाता है, ससुर अच्छा कमाता है, ये भी अच्छा कमाएगी, फिर घर पे फैसिलिटी तो आएगी और आएगी और होना भी चाहिए, यहाँ पर होना भी चाहिए। अब देखो ये जो है ये चंद्र के चौथे भाव में कौन है, सूर्य है, गुरु उसको देख रहा है। यानी माँ जो है वो साफ दिल की है, उसके दिल में कोई पाप नहीं है, जो भी बोलेगी खराब बोलेगी मुंह पे बोलेगी, पीछे बात नहीं करेगी, बराबर है। क्यों, कि ये इसका हार्ट है ना, हार्ट में सूर्य बैठा है और गुरु देख रहा है। अगर यहाँ पर शनि होता राहु होता तो कुछ और बात होती, सीक्रेटिव नेचर होता, यहाँ पर सीक्रेटिव नेचर नहीं है, जो भी बोलो साफ बोलो मुंह पे बोल सकते। और ये जो है इसका जन्म स्थान है ना, माँ ने जन्म किया ना, तो क्या होगा कि माँ जो पैदा होती है वो जो है मतलब यहाँ पर देखो सूर्य तो ऐतिहासिक शहर हो सकता है, नामचीन शहर हो सकता है, तो माँ का जन्म ऐसी जगह पे हो सकता है, नामचीन जगह पे, कहाँ पर, पर बॉम्बे में ना, तो बॉम्बे नाम की शहर विश्व मतलब विश्व फेमस है ना, तो ये आ गया, इसका भी जन्म बॉम्बे में है। तो सूर्य जो देता है वो स्टेटस देता है, यानी वो जहां भी पैदा होगा तो स्टेटस देगा, बराबर है। तो आ रहा है सब बराबर, यहाँ पर अपन जो बता रहे हैं सब बराबर आ रहा है, कोई ज्यादा वहां पर अपने कोई दिमाग नहीं दौड़ाते, और अगर नहीं दौड़ाते कोई वर्कशॉप नहीं देखते तो यहाँ पर नहीं बताता हूँ ना। देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये जो है सूर्य तो है इसका, चाहे लगन से दूसरे भाव में देख लो, गुरु उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी तो घमंड है, बराबर है।
यहाँ पर आप देखो जो है शनि के साथ केतु है, बरोबर है। बुध के 11वें भाव में मंगल है, मंगल भी अहंकार का कारक है, केतु भी कहीं ना कहीं अहंकार देता है, सूर्य भी अहंकार का कारक है। ऐसे लोग जो होते हैं ना किसी के अंदर में काम नहीं करते, यानी ये ज्यादा देर नौकरी नहीं करेगा, खुद का ही काम करेगा। ये किसी के अंदर में काम करने वाले पैदा हुए नहीं है, ये ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर लेते नहीं। अब ऑर्डर लेते नहीं है तो क्या होगा, ये जो है मतलब अब बनेगा नहीं, इसके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा। यानी अगर ये नौकरी भी करेगा तो टॉप की नौकरी करेगा, यानी जो होता है कि जो ऊंचा पद होता है वो पद पे काम करेगा, उसके अंदर में लोग रहेंगे, इसके अंदर में मतलब ये किसी के अंदर में काम नहीं करेगा। तो ये सीधा सीधा बता दिया ना कि ये जो योग है ये अहंकार का योग है, ये अहंकार का योग है, ये अहंकार का योग है। तो अहंकारी आदमी किसी के अंदर में काम नहीं कर सकता, और ये जो है ऐसे लोग जो है उसको नौकरी से कभी निकाला नहीं जाता है, ये खुद नौकरी छोड़ देते हैं। अगर वो नौकरी करता है तो छोड़ते रहेगा, छोड़ता है ना, क्यों अहंकार है ना। सामने वाला उसको कुछ भी बोलेगा ना तो बोलते तेरी नौकरी पे मैं थूकता हूँ, तेरे जैसे 1000 मिल जाएंगे मेरे। क्यों घमंड है, इसको खुद का नॉलेज पे घमंड है, इसका एटीट्यूड पे उसको घमंड है। मगर एटीट्यूड आया कहाँ से, उसको जन्म से आया ना, जैसे हमने आगे बताया कि ये जो है ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है ना। कोई माइकल आल आपको संस्कार दे नहीं सकता है, और अगर कोई संस्कार देता तो दुनिया में सब जो है सब शरीफ हो जाते, बदमाश कोई रहता ही नहीं था। ये बाय बर्थ आता है, जन्म के साथ आता है, और उसी के हिसाब से इंसान चलता है। लैंग्वेज जो है हमारी रफ होती है, अच्छी होती है, वो हमारे ग्रह के अधीन है। जैसे जैसे हमारे दूसरे भाव के ऊपर अपना प्रभाव आएगा, अच्छा प्रभाव आएगा तो हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी। देखो अच्छा प्रभाव है, हमने अच्छा खाया, और जैसे बुरा ग्रह का दशा है, हमको शादी में अनाप शनाप खा लिया, दूसरे दिन प्रॉब्लम हो गया, लूज मोशन हो गया, तो खाया तो हमने यही से था ना। तो ये चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर हमने जो ये चार्ट लिया, ये चार्ट के हिसाब से हमने जो बताया वो तकरीबन सब सही है, बरोबर है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला कि हमने कोई रेडीमेड यहाँ पर योग नहीं लिखा, हमने कोई योग की चर्चा नहीं की कि इसके भाग्य में शनि केतु है, इसके तीसरे भाव में ऐसा है ऐसा है, हमने कहीं नहीं लिखा ना, हमने तो भाव का तो जिक्र नहीं किया, हमने केवल प्लेनेटरी पोजिशन देखा। और एक दूसरे के लिए हमने पहले भी बताया कि जो हमारे हमारे जो पोजिशन है, या तो हमारा बिया बारू योग बनेगा, त्रिकादश योग बनेगा, केंद्र योग बनेगा, नवपंचम योग बनेगा, षडाष्टक योग बनेगा, या सप्तक बनेगा, इसके आगे कोई है ही नहीं। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 छह मुख्य योग बनते हैं। अब ये योग से हम फलित करते हैं, और तकरीबन अपन फलित करते हैं, 70% 80% आ जाता है तो सीखने में क्या प्रॉब्लम। अगर एक चीज हमको दे रही है तो उसमें हमको प्रॉब्लम क्या है, हम आसानी से किसी को बता सकते हैं, और सामने वाला खुश हो जाएगा। आप समझो कि हम रेलवे में चलते चलते सामने वाले ने कुंडली रख दिया तो हम चार चीज उसको बता देंगे तो खुश हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ये चीज यहाँ पर है, बराबर है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है नाना का कारक है, बराबर है, ये नाना का कारक है, बराबर है। अब देखो उसके ऊपर बुध का दृष्टि है, चंद्र का भी दृष्टि है, शुक्र का भी दृष्टि है, बराबर है। और नाना कहाँ बैठे, देखो मीन राशि में बैठे, मीन राशि कौन सा है, विष्णु लोक का राशि है। यानी नाना जो है पवित्र इंसान होगा, नॉलेजेबल है, उसको धर्म ध्यान का है, और कई प्रकार का नॉलेज। यानी क्या होता है कि कपूरी आता है तो कपूरी लैंग्वेज में भी बात कर सकते, संत आता है तो संत की भाषा में भी बात कर सकते। आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्वालिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपना जो है यानी दादा ने जो है, दादा अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो दादा ने अपने बल बुद्धि पे सब कुछ, यानी नाना ने जो अपने बल बुद्धि पे सब कुछ करा ना, ये लड़का भी सेल्फ मेड है, आगे जाके सेल्फ मेड होगा, अपने बल बुद्धि पे एम्पायर खड़ा करेगा। यहाँ पर भी अपना नाना नाना जो है अपने बल बुद्धि पे एम्पायर खड़ा करेगा, जो भी कुछ था नाना का अपना था, चाहे 100 रुपये और मगर अपना है, और सीधा इंसान, नॉन करप्टेड इंसान, बराबर है। तो ये यहाँ पर आ गया ना। अभी किसी को कुछ डाउट हो तो आप बताइए, कोई समझ में नहीं आया कोई चीज। लव मैरिज कौन है, देखो बुध जो है शुक्र मंगल का योग तो है ही, और बुध का राहु का और चंद्र का भी योग आ रहा है, तरह तरह उसके साथ है। बुध जो है गर्लफ्रेंड का कारक है ना, बुध एजुकेशन का भी कारक है तो गर्लफ्रेंड का भी कारक है ना।
और गर्लफ्रेंड के बाद ही तो पत्नी बनती है ना, मगर गर्लफ्रेंड है। देखो अभी देखो दोनों में फर्क है, पत्नी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क आएगा, बराबर है। अब ये जो दूध है ये गर्लफ्रेंड है, बराबर है। अब गर्लफ्रेंड के लिए उसमें शुक्र है, यानी गर्लफ्रेंड के पास पैसा है, बराबर है। तो ये जाएगी तो उसकी गर्लफ्रेंड उसका पैसा खर्च करेगी, मगर जैसे ये पत्नी बनेगी तो उससे पैसा ले लेगी। जब तक गर्लफ्रेंड थी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसा अगर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होता है। देखो लव मैरिज में प्रॉब्लम यही आता है कि जब तक आप वो जो है ना वो गर्लफ्रेंड थी तब तक वहां पर कोई परेशानी नहीं थी, 4 साल 5 साल उनका रिलेशन चला, बराबर है। मगर जैसे शादी में 1.5 महीने में डिवोर्स हो गया, 1.5 साल में डिवोर्स हो गया, अरे क्या हुआ, 4 साल रिलेशन था, आपने एक दूसरे के लिए गाना गाया था, तू मेरे दिल में रहती मैं तेरे दिल में रहता हूँ, क्या हो गया वो गाने का, क्या हुआ कि बुद्ध जो था वो गर्लफ्रेंड था और गर्लफ्रेंड का सुख था पत्नी का सुख नहीं था। तो जैसे ही गर्लफ्रेंड पत्नी को बनी उसका गर्लफ्रेंड का मतलब जो गर्लफ्रेंड का योग था वो खत्म हो गया, पत्नी आ गई तो वो जो सुख मिलता था वहां नहीं मिला। तो उसकी रेमेडीज क्या, तो रेमेडीज क्या बोलेंगे कि ये जो इंसान है ये इंसान को इसकी पत्नी को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी क्या करो कि झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या अच्छा गाना है ना, गर्लफ्रेंड बना के रखो इसको। जब तक ये गर्लफ्रेंड है ना इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी जो बोला उसको हाजिर कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे इसको बीवी बनाया तो ये ऑर्डर देने के लिए तैयार है, फिर क्या होता ब्रेक हो जाता है। तो देखो कितना अच्छा बात हो गया ना, कितना अच्छा रेमेडीज आ ही नहीं सकता है ना। अब रेमेडीज का अर्थ ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ कराओ नंग पहनो, और नंग पहनने से अगर सब कुछ सही होता तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता ना, गवर्नमेंट इतनी इतनी कोर्ट नहीं बनाता ना, इतने वकील पैदा नहीं होते, नंग पहनने से अगर रोग मिट जाता तो इतने डॉक्टर नहीं बनते ना, इतने अस्पताल नहीं बनते। जो है सो है, ये कुंडली में जो है सो है, यहाँ पर ये चीज मिलना है तो मिलना ही है। एनी हाउ जो भी कुछ इसको माँ को मिला सहज मिला, पिता को मिला सहज मिला, बेटे को मिला सहज मिला, तो सहज ही मिला ना, तो मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं मेहनत करना पड़ा कि योग उच्च कुंडली में अच्छे बैठे। ये त्रि एकादशी योग है जो हमने फलित करके बताया, बाकी अपन जनरली बोलेंगे कि क्या होता है कि अपना बुद्ध के अपने 11वें भाव में त्रि एकादशी। अरे पर तो फल क्या हो तो बताओ भाई, त्रि एकादशी तो हमको भी दिखता है मगर फल क्या, ये फल है इसका, आया समझ में। तो जो हमने सेशन करा मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और ये जो लाइव चार्ट हमने लिया, आगे भी लाइव चार्ट लिया था, ये भी हमने लाइव चार्ट लिया, जो हमारे श्रोता देख रहे यूट्यूब पे तो हम उनको भी देखेंगे कि आपने भी शायद एंजॉय करा होगा, और अगर आपने एंजॉय करा तो कुछ लिख सकते हैं हमारे बारे में, और आप लोगों को भी ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। तो ये सेशन जो है यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं, और आशा करेंगे कि दोबारा कोई अच्छे टॉपिक पे हम जो है आपके सामने हाजिर हो। और हमारा कोर्स के बारे में मैंने तो बात किया ही है, और हमारा एक जो है वीडियो आ ही रहा है, तो आप देखिए और उसको लाइक करिए, और हो सकता है जो बॉम्बे में रहते हैं तो उसका फायदा उठाइए। क्लोज कर दूं सर? यार क्लोज इट, क्लोज इट। ओके थैंक। और मुझे होस्ट बना दे, मैं बंद कर दूंगी। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ किसका?